मेरा डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में स्पोकन से रिलेटेड कुछ इंड्यूसर्स बता रहे हैं। इंड्यूसर्स का मतलब होता है लफ्ज जिसको तकिया कलाम कहते हैं। इंड्यूसर्स कहते किसको है, मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन एवर यू ब्रेक फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश इन सच अ सर्कमस्टेंस यू हैव टू यूज इंड्यूसर्स। ठीक है, जब कभी भी आप अंग्रेजी बोलने में रुकते हैं वैसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करते हैं, इंड्यूसर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में मतलब, मेरा मतलब ऐसे बोलते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, इंड्यूसर्स होता है। तो आज के बाद आपको अंग्रेजी में कभी भी स्टोरी को बढ़ाना हो या कोई बात आपको बोलना हो तो जब कभी भी आप भूलते हैं तो उस स्थिति में आप इंड्यूसर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इंड्यूसर्स का ये पहला वीडियो, इंड्यूसर्स का लेक्चर 1 दे रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई विल प्रोवाइड 200 इंड्यूसर्स, करीब करीब मैं आपको 200 इंड्यूसर्स दूंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टोरी आप बना सकते हैं, आप बहुत सारे अंग्रेजी इससे रिलेट करके आप बोल सकते हैं। तो आइए बिना डेले किए आपको हम बताते हैं, पहला पर मारते हैं नजर, जिसका जो देखिए पढ़िए लिखा हुआ है एज फार एज माई आइडिया, जहां पर माई आइडिया है ना वहां पर थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, अदर नोट करते चलिए। ठीक है, चूंकि स्टोरी वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा यूज होगा और इस पर हम स्टोरी भी बना बना के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इतना ही से स्टोरी बताएंगे। देखिएगा एज फार एज माई आइडिया, जहां पर माई आइडिया वहां पर अंडरलाइन कर दिए, माई आइडिया इज कंसर्न दैट, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न दैट, कंसर्न का स्पेलिंग वगैरह देख लेंगे, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न दैट, अभी तो हिंदी होगा कि जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है कि as far as my idea is concerned that, मतलब जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है कि, अब देखिए my idea का मतलब मेरी जानकारी का सवाल है कि, तो जहां पर my idea वहां पर बदल करके आप कोई भी चीज कर सकते, जहां तक पलामू का सवाल है कि, ठीक है मेरी जानकारी तो my idea is concerned that, अच्छा जहां तक पलामू का सवाल है कि, तो as far as पलामू is concerned that, as far as पलामू इज कंसर्न दैट, समझ रहे ना, माइडिया के ऊपर सिर्फ क्या करना है पलामू, आप स्टोरी बढ़ाना होगा। मान लीजिए कि आप 12 में पढ़ रहे हैं, आपको फ्रेंच से रिलेटेड, फ्रेंच चैप्टर में है लड़का, या एम है वाला पढ़े होंगे तो आपको बनाना होगा जहां तक फ्रेंच का सवाल है कि, तो एज फार एज फ्रेंच इज कंसर्न दैट, एज फार एज फ्रेंच इज कंसर्न दैट, या कोई भी आप इंग्लिश ऑनर्स अगर कोई भी कर रहे होंगे, अगर महात्मा गांधी पर बनाना होगा तो बोल सकते हैं कि एज फार एज महात्मा गांधी इज कंसर्न दैट, एज फार एज झारखंड इज कंसर्न दैट, जहां तक झारखंड का सवाल है कि, तो इस प्रकार के आप कमाल कमाल का स्टोरी बनाने में और बहुत सारे चीजें में प्रयोग कर सकते हैं बोलने में भी। ठीक है, जहां तक राम का सवाल है कि, तो एज फार एज राम इज कंसर्न दैट, जहां तक तुम्हारा सवाल है कि, एज फार एज यू इज कंसर्न दैट, आई थिंक यू आर मैड, इस प्रकार से बना बना के आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट बताया। सेकंड पर मारते हैं नजर, सेकंड है हमारा इज गोइंग बैक टू अर्थ, देखिए शुरू शुरू डैश है, इज गोइंग बैक टू अर्थ, इज गोइंग बैक टू अर्थ का मतलब हिंदी होगा बद से बदतर होते जा रहा है, बद से बदतर होते जा रहा है, जैसे बोलना होगा कि पलामू की स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है, तो द सिचुएशन ऑफ पलामू, उसमें जो ब्लैंक्स है उसमें द सिचुएशन ऑफ पलामू फिल कर दीजिए, तो द सिचुएशन ऑफ पलामू इज गोइंग बैड टू ऑर्स, द सिचुएशन ऑफ इंडिया इज गोइंग बैड टू ऑर्स। ठीक है, द सिचुएशन ऑफ राम इज गोइंग बैक टू अर्थ, द सिचुएशन ऑफ मोहन इज गोइंग बैक टू अर्थ, कभी बोलना होगा कि उसकी स्थिति या उसका कोई भी चीज ऐसे बना के बोलना होगा कि उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही, तो आप आसानी से इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला पर मारते हैं नजर, अगला है हमारा जिसको बोलते हैं, देखिए बोलेंगे इट इज, देखिएगा यहाँ पर इट इज को शॉर्ट में हम इट्स बोलते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सोरो है, ऑब्लिक देकर के हैप्पीनेस है, ऑब्लिक देकर के आयरोनिकल है, तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट, आयरोनिकल दैट, या सोरो दैट, बात क्या है एक ही है। अगर आपको बोलना होगा कि यह बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि, तो यह बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि, तो बोलेंगे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट, आपको बोलना होगा यह बहुत बड़ी दुखी वाली बात है कि, देखिए स्टोरी में भी बना सकते हैं, यह बहुत बड़ी दुखी वाली बात है कि, तो आप हैप्पीनेस ना बोल करके आप सॉरो बोलिए, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो दैट, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो दैट, आपको बोलना होगा यह बहुत बड़ी विनम्रता वाली बात है कि, यह बहुत बड़ी विनम्रता वाली बात है कि, तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट आयरोनिकल दैट, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट आयरोनिकल दैट,
समझ गए, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना बना करके बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, शुरू में ब्लैंक्स है, लिखेंगे इज गेटिंग मोमेंटम, शुरू शुरू ब्लैंक्स है ना, तो इज गेटिंग मोमेंटम मतलब जोर पकड़ रहा है, क्या हो रहा है, जोर पकड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि उग्रवाद जोर पकड़ रहा है, तो उग्रवाद क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म, तो बोला एक्सट्रीमिज्म इज गेटिंग मोमेंटम। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म इज गेटिंग मोमेंटम। ठीक है, आतंकवाद जोर पकड़ रहा है, तो टेरोरिज्म इज गेटिंग मोमेंटम, टेरोरिज्म इज गेटिंग मोमेंटम। कोविड 19 इज गेटिंग मोमेंटम, कोविड 19 जोर पकड़ रहा है। इस प्रकार से आप बहुत सारे कहानी स्टोरी वगैरह में बोल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है, देखिए पढ़ेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट वर्ल्ड वाइड कंसर्न दैट, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट वर्ल्ड वाइड कंसर्न दैट, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट वर्ल्ड वाइड कंसर्न दैट, हिंदी होगा यह विश्वव्यापी चिंता के लिए विषय है, यह विश्वव्यापी चिंता का विषय है कि, अब आपको देखिए वर्ल्ड वाइड मैंने विश्वव्यापी आपको बोलना होगा यहाँ पर कि यह भारत के लिए चिंता का विषय है कि, तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट इंडिया वाइड कंसर्न दैट, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट इंडिया वाइड कंसर्न दैट, अगर बोलना होगा यह झारखंड के लिए चिंता का विषय है कि, तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट झारखंड वाइड कंसर्न दैट, झारखंड वाइड कंसर्न दैट, आपको बोलना होगा कि यह ग्रिफिन के लिए चिंता का विषय है कि, तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रिफिन वाइड कंसर्न दैट। तो इस प्रकार से आप कमाल कमाल का स्टोरी बना सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।